સુરતની ડિસેબલ વેલફેર ટ્રસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયામાં સાંસદ દર્શનાબેન જરદોશે હાજરી આપી દિવ્યાંગ બાળકોને વ્હીલચેર, કૃત્રિમ હાથ અને ટ્રાયસિકલનું અર્પણ કર્યું હતું. દરમિયાન પદ્મશ્રી ડોક્ટર કનુભાઈ ટેલર સહિત દિવ્યાંગ બાળકો અને શિક્ષકોએ હાજરી આપી કાર્યક્રમને સફળ બનાવ્યો હતો. વધુમાં કનુભાઈ ટેલરની કામગીરીને વખાણી આવા સેવાકીય કાર્ય અમુક લોકો જ કરી શકે તેવું દર્શનાબેને જણાવ્યું હતું. डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया में सूरत के द्वारा आज दिव्यांग बच्चों के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा था. सबसे पहले तो सभी स्कूल के बच्चों के लिए यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड लगाया गया किसी के सहयोग से, जो कंपनी के सहयोग से लगा उसका उसको भी धन्यवाद. और जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं उनके लिए जो हाथ कृत्रिम हाथ चाहिए वो इक्विपमेंट 5 बच्चों को दिए गए और व्हीलचेयर प्रोवाइड कराई गई जो लेटेस्ट उनके साइज़ की व्हीलचेयर थी. तो पद्मश्री कनुभाई द्वारा उन्होंने ये अपनी स्कूल के लिए जितना भी आज तक किया है बहुत कम लोगों ने किया होगा. और दिव्यांग न्यूज़ चैनल जो पूरे भारत देश में एकमात्र चैनल है जहां उन्होंने ऐसे दिव्यांग बच्चों के सहकार से ही ये चैनल को बहुत अच्छी ऊंचाइयों तक लेके जा रहे, तो मैं आज सबसे प्रार्थना भी करती हूं कि ये ज़रूर देखें. और जिस तरह से ये त्रिविध प्रवृत्ति के द्वारा एक अच्छे कार्यक्रम के लिए मुझे उसका पार्ट बनाया गया, मैं कनुभाई का भी धन्यवाद करती हूँ और जो बच्चों के लिए ये सेवा उपलब्ध कराई गई है उनको भी शुभकामनाएँ देती हूँ.